दोस्तों आज की इस दुनिया में मैक्सिमम खाने पीने की चीज में कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग हो ही जाता है। मतलब एक इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मांसाहार का सेवन कर ही लिया होता है। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन अक्सर आता होगा ना कि जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं क्या वो लोगों की पूजा अर्चना भगवान स्वीकार करते हैं। तो आज के इस ब्लडी सत के एपिसोड में हम लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं उन लोगों की पूजा अर्चना, उन लोगों की भक्ति ईश्वर स्वीकार करते हैं या नहीं। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साफ साफ बताया था कि वेद पुराणों के हिसाब से मांसाहार का सेवन सही है या गलत, उसे आप काफी सारे लोगों ने समझे और काफी सारे लोगों ने प्यार दिए हैं। उसी वीडियो से प्रेरित होकर मैंने ये वीडियो बनाने की सोचा। मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर कोई भगवान पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं मांसाहारी लोगों की तो क्यों करते हैं और नहीं करते तो क्यों नहीं करते। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हम समझने की कोशिश करेंगे स्कंद पुराण के काशी खंड के अध्याय 3 को, जिसमें एक कथा का वर्णन है जिसमें सारे देवी देवता मिलकर एक बार काशी नगरी पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि वहां पे तो खूंखार जानवर भी, यानी कि शेर, चीते, तेंदुए, ऐसे जानवर भी पत्तियों का, घास का सेवन कर रहे हैं। सारे देवी देवता ये देखकर काफी ज्यादा अचंभित होते हैं क्योंकि उन्हें ये पता था कि कोई भी वो शाकाहारी भोजन का सेवन करके जीवित नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी वो पशु शाकाहार का सेवन कर रहे हैं। तो वो साफ साफ समझ जाते हैं कि मनुष्य को हर हालातों में केवल शाकाहार का ही सेवन करना चाहिए, चाहे किसी की भी भूख से मृत्यु क्यों ना होने वाली हो, उसे कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस चीज का साफ साफ वर्णन मिलता है हमें स्कंद पुराण के अध्याय 3 में। स्कंद पुराण में एक और कथा का वर्णन है जिसमें साफ साफ समझ में आता है कि भगवान शिव कभी भी किसी भी ऐसे मनुष्य की भक्ति को, पूजा अर्चना को स्वीकार नहीं करते हैं जो कि अपने स्वाद के लिए किसी भी पशु पक्षी या किसी भी जीव जंतु को हानि पहुंचाकर खुद का पेट भरता है, उनकी बलि चढ़ाता है। वहीं पर अगर हम लोग वराह पुराण को समझने की कोशिश करें तो भगवान विष्णु के एक अवतार हैं भगवान वराह। वो माता पृथ्वी के पूछने पर ये साफ साफ बता देते हैं कि जो कोई भी इंसान मांसाहार का सेवन करेगा मुझे उसकी भक्ति कभी भी स्वीकार्य नहीं होगी, वो चाहे कितनी भी मन से मेरी पूजा अर्चना कर ले उसे उस पूजा अर्चना का फल कभी प्राप्त नहीं होगा। मांसाहार का सेवन करना पृथ्वी में सबसे बड़ा पाप होगा, ये साफ साफ भगवान वरा ने माता पृथ्वी को वरा पुराण में कहा है। आगे बढ़कर अगर हम समझने की कोशिश करें गरुण पुराण को तो गरुण पुराण में कुछ ऐसी कथाओं का वर्णन है जिसमें भगवान विष्णु ने ही गरुण देवता को कुछ जानकारी देते हुए मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बारे में बताया था। भगवान विष्णु ने ये साफ साफ गरुण देवता को बताया था कि जो कोई भी इंसान जीते जी मांसाहार का सेवन करता है, यानी कि पशु बलि देता है, खुद का पेट भरने के लिए किसी भी पशु की हत्या करता है, तो वो आने वाले कई जन्मों तक उन्हीं पशुओं की योनि में जन्म लेता है और बहुत बुरी तरह की प्रताड़नाएं सहता है और आखिर में उनकी भी उसी तरह से मृत्यु होती है जिस तरह से उसने अपने जीवन काल में पशुओं की हत्या की थी अपने स्वाद के लिए। भगवान विष्णु गरुण देवता को ये भी बताते हैं कि जो इंसान जीते जी मांसाहार का सेवन करता है वो हमेशा दुखों से ग्रस्त रहता है और मरने के बाद भी उसको कभी शांति नहीं मिलती है, उसकी आत्मा काफी समय तक भटकती रह जाती है। और जो इंसान जीते जी कभी भी मांसाहार का सेवन जानबूझकर नहीं करता है वो इंसान हमेशा सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है और साथ ही साथ मृत्यु होने के बाद भी उसे किसी तरह का कष्ट नहीं झेलना होता है। दोस्तों हमारे हिंदू संस्कृति में जितने भी उपनिषद है उनका सार माना गया है श्रीमद् भागवत को। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे भोजन को 3 तरीकों में डिवाइड किया है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है तामसिक और तीसरा होता है राजसिक। जो लोग सात्विक भोजन का सेवन करते हैं वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उन्हें ज्यादा लंबी आयु मिलती है, उन्हें ज्यादा कष्ट नहीं होता है, उनकी बुद्धि क्षीण नहीं होती है, वो लोग हमेशा अपनी जिंदगी सुख शांति के साथ व्यतीत करते हैं। लेकिन वहीं पर जो लोग तामसिक भोजन का सेवन करते हैं
वो लोगों का स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं होता है। वो लोग हमेशा बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जब उनकी उम्र बढ़ती है। जो लोग तामसिक भोजन का आहार करते हैं उनकी बुद्धि समय के साथ क्षीण होने लगती है और वो लोग बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। और जब वो गुस्सैल प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं तो वो क्रोध में आकर कई बार तरह तरह के बुरे काम कर जाते हैं। और बुरे काम करने वाला इंसान जितनी भी मेरी भक्ति करेगा मैं उसकी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये साफ साफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कभी भी किसी चीज को लेकर पाबंदी नहीं लगाई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कभी नहीं बताया है कि क्या खाना सही है क्या खाना गलत है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी तरह के भोजन का सेवन करने से होने वाली सिचुएशंस का वर्णन किया है। दोस्तों हमारे वेदों को लेकर काफी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि वेदों में तो पशु बलि को बिल्कुल भी गलत नहीं कहा गया है। पुराने समय में पशु बलि होती थी और इसमें कुछ गलत नहीं था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे वेदों के हिसाब से पशु बलि एक बहुत ही गलत चीज, एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। जिन्हें कम जानकारी होती है वेदों के बारे में वही लोग ये बात कहते हैं या फिर वही लोग ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग यजुर्वेद को ठीक तरह से समझने की कोशिश करें तो यजुर्वेद में ये साफ साफ कहा गया है, जिस प्रकार से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को आदर देता है, उसका सम्मान करता है, उसकी जरूरत पड़ने पर सेवा करता है, उसी प्रकार से उस मनुष्य को जीव जंतुओं की भी सेवा करनी चाहिए, उनका भी उतना ही आदर करना चाहिए जितना आदर वो इस दुनिया में मौजूद दूसरे इंसान का करता है, जितना आदर वो परमात्मा का करता है। बात आती है अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में साफ साफ कहा गया है कि इंसानों को भोजन के लिए हमेशा गेहूं, चावल, दाल जैसे आहारों का सेवन करना चाहिए। जो मांसाहार होता है वो केवल राक्षसों के लिए और जानवरों के लिए बनाया गया है, और जो कोई भी मनुष्य जीते जी मांसाहार का सेवन करता है वो राक्षसों की उन्हीं में गिना जाता है और मृत्यु के बाद भी उसे उसी तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है जिस तरह की प्रताड़ना एक राक्षस को, एक कुकर्म करने वाले व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। बात करें हम ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में ये साफ साफ कहा गया है कि कोई भी मनुष्य अगर गौ माता की हत्या करता है, उनका सेवन करता है, तो उस मनुष्य को सबसे बड़ा पापी माना जाता है इस पूरे ब्रह्मांड का। ऐसे मनुष्य को कभी भी मृत्यु के बाद शांति नहीं मिल सकती, उसकी आत्मा जन्मों जन्म तक भटकती रहती है। जो कोई भी मनुष्य गौ माता की हत्या करके दूसरे लोगों को उनके दूध से वंचित करता है ऐसे लोगों को सबसे बड़ा पापी माना जाता है। साथ ही साथ ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि कोई भी मनुष्य अगर जीते जी किसी भी तरह के जीव जंतु को नुकसान पहुंचाता है, उनकी हत्या करता है, अपने स्वाद के लिए उनका सेवन करता है, वो मनुष्य को कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। ऐसा मनुष्य हमेशा समय समय पर बीमार पड़ते रहता है और कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। दोस्तों देखिए, आप लोग चाहे मांसाहार का सेवन करते हो या ना करते हो, मैं कभी किसी को ये नहीं कहूंगा कि मांसाहार का सेवन आप लोगों को नहीं करना चाहिए, बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स थे वो क्लियर करने की अपने वीडियो में कोशिश किया हूँ। कुछ ग्रंथों से, कुछ वेदों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उठाकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया हूँ। मैं कभी किसी को उनके घर पे आकर या फिर किसी को अपने वीडियो के जरिए ये फोर्स नहीं करता हूँ और ना ही करूँगा कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये आपकी ही पर्सनल चॉइस होगी। बस मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों के एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का एक कन्फ्यूजन तो क्लियर आज हो ही गया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के अनोखे हैरान कर देने वाले और कई बार भूतिया रहस्यमय वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ, जिसे देख कर आप लोगों का मनोरंजन भी होता है साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती है। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। तो चलिए कल हम लोग फिर से आप लोगों के सामने एक और हैरान कर देने वाली जानकारी या फिर कहानी के साथ जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।